देश में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इस बाबत सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने बताया कि इन दिनों अन्य राज्यों में कोरोना का पॉजिटिव केस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले में कोरोना के 8 नए मामले पाए गए, जिसके बाद सदर अस्पताल गिरिडीह ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। डॉक्टर सान्याल ने कहा कि सदर अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग की संख्या प्रत्येक दिन 1000 कर दी गई है, साथ ही ट्रूनट से भी 250 से 300 मरीजों की जांच की जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सदर अस्पताल परिसर में 16 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। बताया गया कि फिलहाल अभी तक जिले में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन अगर कोई मरीज संक्रमित पाया जाएगा तो उसे घर के बदले अस्पताल में ही आइसोलेट किया जाएगा, जिसकी तैयारी सदर अस्पताल द्वारा कर ली गई है। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों को जागरूक करते हुए अपील किया कि मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर, दूरी मेंटेन करते हुए इस महामारी से बचे। साथ ही सीएस ने भी सभी वरिष्ठ नागरिकों से टीका लगवाने की भी अपील की। जो भारत में फिर से कुछ एक राज्य में कोविड-19 के ग्रसित मरीज मिल रहे हैं, एहतियात के तौर पर हम लोग झारखंड में हम लोग टेस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। RT-PCR और ट्रूनेट टेस्टिंग जो पहले हम कर रहे थे उससे कहीं अधिक मात्रा में हम लोगों का जांच प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि नज़दीक में बोकारो जिले में भी हाल ही के दिन में 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, और क्योंकि बोकारो और गिरिडीह सटा हुआ जिला है, हम लोग RT-PCR का सैंपल्स कलेक्शन तकरीबन रोज 1000 कर रहे हैं और ट्रूनेट टेस्टिंग 250 से 300 डेली कर रहे हैं। यदि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आएगा तो हम अब होम आइसोलेशन का अलाउ नहीं करेंगे। हमने फिर से 12 बेडेड CCU अपने अस्पताल में सदर अस्पताल परिसर में ही बना लिया है। 8 महिला और 8 पुरुष, 16 बेडेड, जिसमें हमने स्टाफ की पोस्टिंग कर दिया है। तो इस तरह से एहतियात बरतने के लिए हमने अपना पूर्व में ही इसमें CHO डॉक्टर्स का पोस्टिंग भी कर दिया है। यदि इस तरह के कोई संदिग्ध मरीज पाए जाते हैं तो उनको अब होम आइसोलेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको यहाँ पर आकर के आइसोलेट किया जाएगा। हम गिरिडीह के पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप फिर से आज 6 महीना पहले जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ की जगह पर एक साथ समूह में न जाना और घर लौटने के बाद सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, ये जरूर से जरूर पालन करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है, 60 साल से ऊपर वाले उम्र, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 45 से 59 साल यदि कोई वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर जो रोग से ग्रसित हैं, वो अपना वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। वैक्सीनेशन आपको कम से कम जो कोविड-19 के जो वायरस है उससे लड़ने के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, और वैक्सीन देने के बाद ये ज़रूर है जो व्यक्ति सीवियर रूप से कोविड से ग्रसित नहीं होंगे, कोविड इन्फेक्शन होने पर भी वो माइल्ड होगा और उनको अत्यंत जोखिम या वो सीरियस हो जाएंगे, उनको बाहर रेफर करना पड़ेगा, ये हालत नहीं रहेगी। तो पूरे शहरवासी से, पूरे जिलावासी से हमारा अनुरोध हो है कि कोविड जो बिहेवियर है, कोविड बिहेवियर को 100% पालन करेंगे। धन्यवाद। डेली सर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं सर? 1000 सैंपल्स डेली जा रहा है धनबाद, और बताया मैंने करीब 250 से 300 ट्रूनेट टेस्टिंग भी पूरे जिले में हो रही है। अभी तक सर की एक्टिव केस, अभी तक कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया।